हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग एक्सेल के अंदर कोई पाइवट बनाते हैं तो उसके अंदर आप अमाउंट का रनिंग टोटल कर सकते हैं। रनिंग टोटल का मतलब ये होता है कि प्रत्येक सेल का टोटल, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जिसका आप पाइवट बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आता है पाइवट, इस पे क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो मैंने क्या करा, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके देन ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो एक वर्कशीट यहाँ पे ओपन हो गया नया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है नेम, इसको आप लोगों को यहाँ पे रो में सिलेक्ट करवा लेना है। उसके बाद जो अमाउंट है उसको आपको वैल्यू के अंदर सिलेक्ट करवा लेना है। अगेन दोबारा से अमाउंट को सिलेक्ट करना है और वैल्यू के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आ रहा है दो बार सम आ गया है, देखो, ठीक है। जिसका भी आप रनिंग सम निकालना चाहते हैं उस कॉलम पे आपको राइट क्लिक करना है और नीचे आना है, यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ सो वैल्यू एज, यहाँ पे आता है नीचे रनिंग टोटल इन, तो इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और देन ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे देखो रनिंग टोटल निकल के आ चुका है। तो एक्सेल के अंदर आपको ये ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।